कि राहुल गांधी ने 72,000 रुपये प्रति वर्ष गरीबों को देने का वादा कर डाला। हमने बनारस के नज़दीक हरिहरपुर गांव का दौरा किया और लोगों से ये जानना चाहा कि ये जो 72,000 रुपये का जो लॉलीपॉप है ये कहां तक चुनाव में कांग्रेस की मदद कर सकता है। देखिए भाई साहब, राहुल गांधी 72,000 की जगह अगर 72 लाख भी देंगे तो हम तो सिर्फ मोदी को वोट देंगे और हमारा गांव, हमारा परिवार और हमारा बनारस सब मोदी को ही वोट देंगे और हम लोग मोदी के साथ हैं और साथ रहेंगे। किस पार्टी के साथ हैं आप? किसको वोट देंगे? मोदी को वोट देंगे। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम 72,000 रुपए दे देंगे, तब 100,000 दे उससे क्या जरूरत है। लेकिन साथ में आप मोदी के साथ में ही हैं आप? हाँ। नहीं, मोदी हाँ। जी के साथ, मोदी जी के साथ हैं। हाँ, हाँ। और 72,000 देने के लिए राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसका असर पड़ेगा जनता के ऊपर कि नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, हमको बहुत फायदा है उनके रहने से। अच्छा। हाँ। तो क्या क्या फायदा हुआ है? अरे गैस हुआ फायदा जी, अब धीरे धीरे कुल फायदा देंगे। हाँ, हाँ। हाँ? अब जब हो जाएंगे तो धीरे धीरे सब फायदा देंगे ना जी जी। हाँ, और यही बढ़िया काम है। ये सब तो 5,000 के घोटाला में भी खुद ही फंसे हुए हैं, पेरोल पे छूटे हुए हैं। हाँ, इनको तो खुद अपना डर सता रहा है कि कहीं मतलब कि इस बार अगर मोदी सरकार आती है तो कोई हमें जेल ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से ये जो है कि 72,000 का ये किसानों को लुभाने के लिए कि 72,000 देंगे, कहाँ से देंगे 72,000? अब बताइए कहाँ से देंगे? झूठे वादे कर। हाँ, बस झूठे वादे, जनता गुमराह होने वाली है ही नहीं। इस बार फिर मोदी की सरकार है। हाँ, मोदी मैंने मोदी इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, रोड से लेके बिजली से लेके क्या नहीं है, मतलब हर एक चीज व्यवस्था हो चुकी है। हमें तो लग जो ये कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, 11 साल में बेरोजगारी आ गई। इससे पहले क्या सब रतन टाटा के टक्कर के थे? इससे पहले सब रतन टाटा थे? आज 5 साल में बेरोजगारी आ गई है? राहुल गांधी 72,000 रुपया कहाँ से देंगे भाई? सरकार का एक नियम है उनके पास है। ये है कि 72,000 रुपया अपने घर से कोई देने वाला नहीं, उनके पास जनता को गुमराह कर। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार भारद्वाज जी। ये राहुल गांधी ने जो 72,000 रुपए देने की पेशकश की है गरीब परिवारों को, तो इसका क्या असर पड़ रहा है? क्या ये तो जनता जान रही है कि वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो कोई जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है। जी जी, यहाँ पर सब जो है मोदी को वोट देगा, सब मोदी सरकार को, केवल मोदी को देख रहा है, देश के आगे बढ़ाने के लिए। जी जी, देश की पहले 70 साल में उन लोगों ने क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने तो 5 साल में बहुत कुछ किया, और 5 साल और रहेगा तो हिंदुस्तान को कितना आगे बढ़ा देगा। लन की 2000 मोदी जी दे दिलन तो उनके लगल अथवा मतलब वो नहीं निक लगल तो अब कहत उनकी 72,000 रुपए सालाना। हां, 72,000 दे इस बार सरकार को। सुनील आऊगा कि अभी कनका प्रदेश में कांग्रेस वाला भल हुआ तो बोलन की इतना माफ करे में सुनीला की वो कुछ रोवत हुआ मध्य प्रदेश में। हाँ हाँ, वादा वहाँ भी पूरा नहीं किए। अरे सब मतलब खाली चुनावी स्टंट है। और देख भाई, जे गरीब दुखिया बा जे तो सबके घरे पैखाना तो मतलब हो ही गल हुई जी। सबके घरे मतलब से निपटा नहा के पैखाना साधन तो मतलब हो ही गल हुई जी। हाँ, और देख रहा रास्ता पेड़ा मतलब जौन आगे के बात अंत है बा जौन आपका बनत बा बहुत शुद्ध मतलब बनत। मोदी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, उम्मीद तो नहीं हमके। आज के समय युग में सीमा पर मतलब डटब विपक्ष वाला देश एक दो दिन बदे के काफी अब बहुत भारी चीज हो। वहाँ पर 60-70 दिन मतलब सीमा पर भारत वाला चपर रह गईलन चीन के बॉर्डर पर, ई बहुत भारी बात हो। लेकिन भारत पछताया नहीं, मालूम है ना? जी जी। और ये समझा कि हम देख ही ला कि हम इत्तत का हो गए। आज तक ले इतनी अच्छी लाइन कभी नहीं मिलल रहल, बिजली नहीं मिलल रहल। आदमी जालन कमाए थकल माल आवलन, कम से कम बत्ती लाइट भाइट मतलब से जालन फरसा लेके खेते में मतलब ताव से पानी मिल जाला।